लेके नौगांव सादात कस्बे के रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मौलाना जाबेद आब्दी ने जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन मनाया, जहां इस मौके पर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर मौलाना जाबेद आब्दी ने रवाना किया। बता दें कि जाबेद आब्दी पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने साधना न्यूज से बातचीत में कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। आज हम खड़े हैं नौगांव विधानसभा में, जहां जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में इस रैली में प्रतिभाग किया है और बीजेपी को उखाड़ने के लिए जो समाजवादी पार्टी है 2022 में अपना चुनाव लड़ेगी उसको लेकर के जो राष्ट्रीय सचिव हैं जावेद आब्दी मौके पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो रैली का आयोजन किया है तो उसमें पूरा मामले क्या है। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लिए जो जिंदगी में काम करती है, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के जो काले करतूत हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, उन संकल्प पत्र के वादों में से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा कामों को या तो उन्होंने फीता काटने का काम किया है या उसको नाम बदलने का काम किया है। जब माननीय योगी जी ने शपथ ली थी तो सबसे पहला वादा किया था कि हम सड़कों के गड्ढे पूरे करेंगे और बंद करेंगे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। मगर अगर आप देखें तो बरसात में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ज़रिए जो सड़कें बनाई थी वही नज़र आ रही हैं, वह गड्ढा युक्त वही हैं। और पता था योगी जी को कि सड़कें तो बना नहीं सकते हैं, जो कहीं कहीं गड्ढे हैं उन्हीं को भरने का काम किए हैं। लेकिन सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे समाज में गड्ढे खोदने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरा का पूरा नौजवानों का सड़कों पर हुजूम इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें से आज बेरोजगारों की भीड़ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर सवालिया निशान बनकर खड़ा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश इस बात का सबूत है। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति आज इंतज़ार कर रहा है उस दिन का जब वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कांटेदार दरख्त को ज़मीन से उखाड़ने का काम करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में उसी तरह का प्रदेश और देश बनाया जाएगा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो जनेश्वर मिश्र जी का, छोटे लोहिया जी का सपना था, जो लोहिया जी का सपना था, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का सपना था, जो हमारे शहीदों का सपना था, जो फांसी के फंदे पर झूल झूल कर उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा था, उसी तरह का हम हिंदुस्तान बनाकर एक ऐसे क्रांति और ऐसे समाजवादी पार्टी के सूरज को देखना चाहते हैं जिसका नाम अखिलेश यादव हो और जो नफ़रतों के काले बादल छाट कर हर गरीब के घर में क्रांति की, इल्म की, विकास की, ज्ञान की और मोहब्बत की रोशनी फैलाने का काम करें। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से अभी जावेद आब्दी जी ने वो बताया था कि आने वाले 2000 जो मिशन होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा और समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी।